हाय एवरीवन, दिस इज इमरान फ्रॉम बी लव स्पोर्ट्स। मेरे इस चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आप लोगों के सामने दोबारा से आया हूँ एक नया वीडियो लेके, और आज का वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पब्लिक डिमांड पे ये वीडियो बनाया हुआ है। ओके, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखें, ताकि आप लोगों को इस वीडियो में जो मैं लेके आया हूँ कंटेंट उसकी पूरी जानकारी मिल सके। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करना, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स कलीग के साथ में, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। ऑलराइट, तो आज के वीडियो में इंटरेस्टिंग क्या है, आज मैं अपने दो दिग्गज मॉडल्स को आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ। राइट, आप लोगों ने सही सुना, आप लोगों के सामने आज फेस टू फेस आएंगे स्मैशर प्रो और डीएचएस पंच। राइट, सो ये दोनों बैट्स के मैं आपको साइमल्टेनियसली सामने सामने इसको कंपैरिजन करके दिखाऊंगा, बैट के स्पेसिफिकेशन दिखाऊंगा, जिससे आप लोगों को आइडिया आ सके कि दोनों बैट्स क्या चीज है। राइट, इसके पहले हम लोगों ने काफी टाइम बैट्स के कंपैरिजन किए हैं दूसरे मॉडल्स पे, और मैंने आपको स्मैशर प्रो का तो मैं रिव्यू और जो बैट्स का जो डिटेल्स है वो डालते रहता हूँ। डीएचएस पंच जो हमारा नया मॉडल है उसका मैंने रिव्यू डाला था, उससे काफी अच्छा रिस्पांस आया है, और काफी लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया कि उसको आप लोग जो है स्मैशर प्रो से कंपेयर करके दिखाइए। तो हियर इट इज, आप लोगों के लिए आज का वीडियो है। ऑलराइट, चलिए पहले मैं आपको दोनों बैट्स दिखाता हूँ एक एक करके, ताकि उस बैट्स की डिटेल आपको पता चल सके। तो हम लोग शुरू करेंगे अपने चहेते बैट से, जो काफी टाइम से बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अच्छा फेमस है, स्मैशर प्रो। राइट, ये रहा स्मैशर प्रो। मैं पहले आपको इसका चारों साइड का व्यू देता हूं। ये लीजिए, इसका फ्रंट व्यू है, आप देख सकते हो ग्रेन्स बैट्स पे काफी खूबसूरत ये दिए हुए है। थोड़ा सा लैमिनेशन के वगैरह से शाइन हो रहा होगा, बट फिर भी ग्रेन्स जो है बहुत क्लियरली दिख रहे है। ये है इसका साइड व्यू, यह है इसका बैक व्यू, बैक में भी आप देख सकते हो कि ग्रेन्स बहुत क्लियरली है। यह है इसका सेकंड साइड व्यू। ओके, ये आएगा आपको थ्री पीस फुल कैन हैंडल में, ग्रिप आप देख सकते हो शॉर्ट हैंडल ग्रिप है, और अच्छा खासा ग्रिप लगा हुआ है इसमें। इसका बैक का प्रोफाइल गाइस, ये इसका यूनिकनेस है। ऊपर से पतला होता है, फिर ये मोटा होके ब्लेड टू बॉटम इसका ठीक होता है, जिसमें से इसका सरफेस जो स्पाइन है वो थोड़ा सा उठा हुआ होता है। तो इसका यूनिक शेप है, यूनिक शेप की वजह से काफी फेमस है बैट। इसका कर्व आपको दिखाता हूँ, ये इसका सरफेस। ओके, ये आपको आएगा अप्रोक्सीमेटली 1050 से 1100 ग्राम के बीच में, मतलब 1050 से 1100 ग्राम के बीच में आएगा। 35 इंच की हाइट रहेगी। ओके, अब इसके ऊपर हम लोग जो है हैवी टेनिस बॉल को पिंक टेस्ट करके देखेंगे। तो ये निविया का हैवी टेनिस बॉल है, अराउंड 125-126 ग्राम का बॉल है। अच्छा खासा बाउंस जा रहा है, अच्छा खासा पिंक जा रहा है बॉल पे, और कोई भी एफर्ट नहीं लेना पड़ रहा है। बिना एफर्ट के जो बॉल है वो काफी अच्छा जा रहा है ऊपर। ओके, तो ये था स्मैशर प्रो। अब हम लोग चलते हैं डीएचएस पंच पे। ऑलराइट गाइस, ये है डीएचएस पंच, जो न्यू सेंसेशन है डील हब स्पोर्ट्स का, डीएचएस के हाउस का, और काफी कम वक्त में काफी ज्यादा फेमस हुआ है ये मॉडल, ओनली बिकॉज ऑफ इट्स परफॉर्मेंस एंड डिटेल्स। अब बात करते हैं इसके चारों साइड की। ये है इसका फ्रंट व्यू, ये देखिए इसमें भी आपको ग्रेन्स काफी क्लियर दिख रहे होंगे। ये है इसका साइड व्यू, ये है इसका बैक व्यू, बैक पे भी आप ग्रेन्स देख सकते हो। यह है इसका सेकंड साइड व्यू। इसमें भी अगेन आपको थ्री पीस फुल कैन हैंडल आएगा, एंटी स्किड ग्रिप है इस पे। ये इसका प्रोफाइल है, तो ये ट्रेडिशनल प्रोफाइल जिसको लेदर बैट का जो प्रोफाइल बोलते हैं वो है, बट इस पे हम लोगों ने जो इम्प्रूवमेंट है, जो मेन इस पे फोकस है वो ये है कि इसका हम लोगों ने शोल्डर थोड़ा थिक किया है अराउंड लेदर बैट के जैसा। इसका आपको ब्लेड आएगा 30-40 mm के बीच में, मतलब 35-36 mm का इसका ब्लेड रहता है एज, और बॉटम भी अराउंड 30 mm है, तो अच्छा खासा स्पेसिफिकेशन है। प्लस इस पर प्रेसिंग बहुत हार्ड की हुई है, जिससे आपको किसी भी तरीके के टेनिस बॉल से खेलने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। राइट, मैं इस पर आपको पिंक टेस्ट करके दिखाता हूँ। अगेन ये बैट भी 35 इंच का होगा, और वेट अराउंड 1050-1100 ग्राम होगा। मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, सिर्फ जो बैट को है मैं बॉल के नीचे ले जा रहा हूँ, और अच्छा खासा बाउंस हो रहा है। जीरो एफर्ट। ओके, तो इसको अगर आप ग्राउंड पे प्रॉपर टाइमिंग पे हिट करोगे तो बहुत अच्छा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये। ओके, तो ये था दोनों बैट्स। अब मैं आपको दोनों बैट्स को सामने से दिखाता हूँ।
ये देखिए, ये है स्मैशर प्रो, ये है पंच। इसका मैं आपको प्रोफाइल दिखाता हूँ, एक मिनट होल्ड करना, दोनों को साथ में दिखाता हूँ ताकि आपको उसके प्रोफाइल के बारे में आइडिया आ सके। ये देखिए, थोड़ा पीछे जाता हूँ, ये आप देख सकते हो प्रोफाइल, ठीक है। सो दोनों ही हार्ड टेनिस के लिए है। ये थोड़ा सा कर्व है और थोड़ा इसका स्पाइन उठा हुआ है। ये आपको लेदर बैट के शेप में मिलेगा, डॉल्फिन शेप जिसको बोलते हैं, प्रॉपर डॉल्फिन शेप उसमें रहेगा। और ये दोनों ही जो बैट्स है वो हार्ड टेनिस के लिए बनी हुई है। आप किसी भी तरीके के हार्ड टेनिस पे इसको यूज कर सकते हो। आपके एरिया में जो भी बॉल चलता है, सुपर खन्ना, निविया, गुरु, गुरु लेजर, विक्की, टेनेक्स, सुपर सिक्सेट, जो भी किसी भी ब्रांड का हेवी टेनिस बॉल आपके एरिया में चलता है, आप उस पर इन बैट्स को आप इजीली यूज कर सकते हो। एंड बट ऑब्वियस, अगर ये हेवी टेनिस बॉल पे चलेगा तो सॉफ्ट टेनिस बॉल पे आराम से चलेगा, तो उसमें वो सवाल का जवाब अपने आप आ जाता है। तो जो सॉफ्ट टेनिस से खेलता है उसके लिए तो आराम से चलेगा ही चलेगा, और हेवी टेनिस बॉल पे सारे बॉल्स पे चल जाएगा जितने भी हेवी टेनिस बॉल मार्केट्स में अवेलेबल है। ऑलराइट, तो ये था छोटा सा कंपैरिजन स्मैशर प्रो वर्सेस पंच। ओके, दोनों ही DHS के हाउस के ब्रांड्स है, आप इन्हें ट्राई कर सकते हो। ओके, और ये जो वीडियो है, इस वीडियो के जरिए मैंने ट्राई किया है कि आप लोगों को दोनों भी बैट्स के स्पेसिफिकेशन दिखा सकूं। ऑलराइट, और अगर कुछ क्वेरीज होगी आपको तो प्लीज मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके इंक्वायरी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप का नंबर आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप उस पर मैसेज कीजिए, अपनी इंक्वायरीज भेजिए, आपके डाउट जो है वो क्लियर कीजिए, और आपके ऑर्डर्स का मुझे इंतजार रहेगा। ऑलराइट, चलिए आज के लिए इतना बस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें अपने टीम मेट्स के साथ में, कलीग्स के साथ में, और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन हैव अ ग्रेट डे गाइस, बाय बाय।